नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें फेज शिफ्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है और हमसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में सीआरओ में हम अप्लाई करेंगे जब जिसमें आपका जो वोल्टेज है वो इक्वल है, यानी कि एम्पलीट्यूड आपको इक्वल दिया है, फ्रिक्वेंसी सेम है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल एई में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो इसमें बोला है फेज शिफ्ट आपका नॉट इक्वल टू 0 to 90। इसमें जो फेज शिफ्ट है वो 0 से 90 नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको किस प्रकार का जो है शेप इसमें मिलेगा, या आपका सर्कुलर होगा या इलिप्स होगा या पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस 0 है या फिर 90 है, सॉरी 180 डिग्री है, अगर फेज शिफ्ट 0 है या फिर 180 डिग्री है, तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी दोस्तों? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि हमारे पास फेज शिफ्ट 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, 90 है या 270 है, तो आपको एक सर्कुलर शेप प्राप्त होगा। कैसा मिलेगा? सर्कुलर। क्वेश्चन दोस्तों बोला है 0 और 90 नहीं होना चाहिए, 0 और 90 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें हमारी जो शेप होगा वो ना ही स्ट्रेट होगा ना ही सर्कुलर होगा। क्लियर है? जो फेज शिफ्ट है वो 0 और 90 नहीं होना चाहिए, 0 से 90 के बीच नहीं होना चाहिए, 0 से 90 नहीं होना चाहिए। तो फेज शिफ्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना ही लीनियर होगा ना ही स्ट्रेट लाइन होगा ना ही सर्कुलर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास फेज शिफ्ट जो है वो जो फेज शिफ्ट है हमारा 0 से 90 के बीच हो, या फिर 270 से, आपका ये 270 से, ऐसा बोल दूं मैं, आपका 360 के बीच हो। क्लियर ना? कि या तो फेज शिफ्ट आपका 0 से 90 के बीच या फिर 270 से 360 के बीच हो, तो इस केस में आपको एक अलग ही शेप मिलेगा। क्लियर है? जो कि इसके लिए वैलिड नहीं है, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक ये पैराबोला फॉर्म भी आपको दे देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इसमें कंसेप्ट 90 to 180 and 180 to 270। तो दोस्तों इसमें हमें मिलता है इलिप्स। क्या मिलेगा? इलिप्स। और इसमें आपको ऐसे बोल सकते थे कि इसमें आपको मिल जाता है पैराबोला। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 90 से 180, 180 से 270, क्वेश्चन हमें दिया था फेज शिफ्ट नॉट इक्वल टू 0 to 90, 0 से 90 के बीच नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, ना ही 0 90 होना चाहिए। तो अगर फिर सिर्फ 0 है या 180 है तो आपको स्ट्रेट लाइन, 90 है तो आपको मिले पता होना चाहिए सर्कुलर, और अगर 0 से 90 के बीच है तो पैराबोला, और 90 से 180 या 180 से 270 तो एलिप्स। तो आप खुद ही अंदाजा लगा गए होंगे कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए था अपने पास। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका एलिप्स। क्या दोस्तों, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एलिप्स। क्यों? बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन द फेज शिफ्ट नॉट इक्वल टू 0 to 90, 0 से 90 के बीच नहीं होना चाहिए, तो यही एक अकलौता ऑप्शन है जो 90 से 180 के बीच नहीं है, तो आंसर हो गया आपका एलिप्स। तो ये बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि इसमें आपसे पूछा गया था। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, देखिएगा।